बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू में जो हमारा यूनिट 5 ऑलरेडी पैटर्न्स हमारे चल रहा है, जो हमने बुक में भी फिनिश किया है, जिसमें हम देख रहे थे कि अलग अलग तरह के लीफ जो आते हैं, लीफ उसकी हमने पैटर्न बनाई थी, फिर नंबर पैटर्न बनाई थी, फिर जो अल्फ़ाबेट की थी उसकी पैटर्न बनाई, फिर डिज़ाइन भी हमने बहुत ड्रॉ किए। नेक्स्ट हमने लास्ट में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको जो हमने पैटर्न वर्कबुक स्टार्ट की थी उसमें हमने पहले पैटर्न के शेप दिखे थे, फिर नंबर दिखे थे, फिर उसके बाद एरोज, फिर सर्कल, स्क्वायर, हाफ सर्कल, ट्रायंगल, इससे फिर लास्ट में मैंने आपको एक स्टाइल जो फ्लोर पे जो हम स्टाइल लगा दें वो स्टाइल ड्रॉ की हुई दी थी, उसमें आपको आपकी तरह से आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर ड्रॉ करने थे, तो आपको डिज़ाइन बनाने थे। ओके, तो यहाँ तक हमने फिनिश किया था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 5A में अरेंज द ग्रिल इन डिफरेंट वे एंड मेक द अनदर पैटर्न इन द एम्प्टी स्पेस गिविंग बिलो। यहाँ पे देखो, जो हमारे घर की बाउंड्री होती है वहाँ पे हम अलग तरह के जाली लगाते हैं, क्योंकि कोई जो एनिमल्स है जो हमें नुकसान करे वो एनिमल्स अंदर ना जाए, इसलिए तो उसी तरह से तो हर एक सब लोगों के घर पे अलग अलग पसंद वाले लोग होते हैं, तो उनकी पसंद की जाली, तो आपको भी यहाँ पे एक अच्छी से जाली ड्रो करनी है जो आपको पसंद है, डिफरेंट जाली। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 मतलब कि उसका 2 है, पुट क्रॉस ऑन द पैटर्न बिलो विच कैन नॉट बी मेड यूजिंग द ग्रिल। अब यहाँ पे देखो, जिसके अंदर यहाँ पे एक सिंबल बना के दिए वो सिंबल यूज नहीं किया है, वो वाली जो पैटर्न है उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले जो फॉर है इस तरह से सीधे लाइन में 1 2 3 4 उसमें यूज किया है यस। नेक्स्ट उसके नीचे एक ही साइड में है लेकिन उसको यूज किया नहीं है, उसकी तरह नहीं है, बीच में जो स्क्वायर में दिया है उसमें तो पूरी अलग तरह की डिजाइन, तो वहाँ पे क्रॉस, फिर जो नीचे वाला हमने पहले दिखा वो भी क्रॉस, फिर उसके ऊपर टॉप पे देखो दिए हमें, लेकिन हमारा सिंबल उस इस तरह से, और लेकिन यहाँ पे को किस तरह के सिंबल यूज किए, तो दोनों में आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, किस तरह के सिंबल है तो कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे नीचे की ओर है, यहाँ पे ऊपर की ओर है, तो ये भी जो ये वाले सिंबल है वहाँ पे भी क्रॉस, फिर नेक्स्ट नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और इस तरह से पैटर्न दिखाई दे रही है आपको, या ये जो पैटर्न है वो पैटर्न पे भी हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसकी तरह हमें वो यूज कर सकती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच प्रीस ऑफ पैटर्न इन स्टेबल पुट राइट। तो यहाँ पे देखो, जो हमने बुक में किया था सेम टू सेम वही एक चूहा है, उसने एक कपड़े को काट दिया है और उसका एक पीस यहाँ पे रखा है, तो कौन सा पीस हो सकता है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिया है, सॉरी किस तरह से ड्रॉ किया है, ओके इस तरह से, यहाँ पे आपको इस तरह की पैटर्न दिख रही है, ओके ये जो पैटर्न है ये हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को ऊपर हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 53 पे देखो, एक नया क्वेश्चन दिया जो हमें बुक में नहीं दिया था, एक नई तरह से बहुत अच्छा है, मैच द टाइल्स गिव इन द सेंटर विथ इट्स पैटर्न। यहाँ पे स्टाइल अलग अलग डिजाइन दिए, उसमें जो डिजाइन उसकी एक सेंटर लिया है और वो अलग से रखा है, तो आपको उस सेंटर के साथ उसको क्या करना है, मैच करना है, तो यहाँ पे देखो, चलो आप बताओ कौन सी स्टाइल कौन सी होगी, आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से होती है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर में ट्रायंगल वाले दिए जिसमें रेड है,
इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो ट्रायंगल वाली है उसके साथ हम ये जो ट्रायंगल है इसको ज्वाइन, देखो इसका सेंटर है ये, ओके। नेक्स्ट उसके नीचे देखो ये जो है वो इसका एक जहाँ पे स्क्वेयर किया है और थ्री कलर्स में दिया है, जैसे कि पर्पल, ब्लू एंड येलो। नेक्स्ट जो टॉप पे है वो दूसरी ओर वो कौन सी है, वो जो यहाँ पे दिए फॉर येलो एंड फॉर पर्पल। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे उसके साथ जैसे कि टू येलो एंड टू ब्लू। तो इस तरह से आपको भी वहाँ पे क्या करना है, लाइन कर देनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द पैटर्न बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। ये जो मैंने जो बॉक्स था वो आपको टेक्स्ट बुक में हमने सेम टू सेम ये बॉक्स था तो हमने फिलअप किया था, तो इसको मैं वापस रिपीट करवा था नहीं हूँ, और आपको पता है कि ये तो बहुत ईजीली है। नेक्स्ट लेकिन नीचे देखो वो जो बॉक्स है वो कुछ नया है हमारे लिए, तो उसको हम फिलअप करते हैं। तो आगे देखो आपको वहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं ड्रो कर रहा हूँ, तो उसी तरह से आपको भी ड्रो करना है। इस तरह से आपको बॉक्स दिया है, यहाँ भी इस तरह से लाइनिंग करके दी है आपको। नेक्स्ट अब क्या किया है कि वहां पे देखो यहां से देखिए यहां पे किया है, फिर यहां पे, फिर यहां, अब उल्टा साइड से लिया है, देखो इस तरह से ऐसे हो डायमंड कट की तरफ, इस तरह से यहां से वापस भी जा सकते हैं। इस तरह से आपको ये पैटर्न फिनिश करें। फिर इसमें क्या किया है उन लोगों ने, कलर्स किए, यहाँ पे मैं ये जो है वहाँ पे ब्लू कलर है, बीच वाला जो डायमंड का शेप होता है उसमें क्या किया है ब्लू कलर है। ये सारे जो डायमंड के शेप होते हैं उसमें कौन सा कलर कर रहा हूँ ब्लू। चलो हो गया। नेक्स्ट अब जो बाकी का बचा है उसमें कौन सा कलर है, तो आप देख सकते हो वहां पे ग्रीन कलर दिया है हमें, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ ग्रीन कलर रखता हूँ। इतने में ही आएगा ये, इतने आपको डायमंड का भी कितना इतने में ही आएगा ये कलर, ज्यादा और नहीं पड़ा। और जो टॉप पे और जो नीचे जो दो ट्रायंगल है उसमें हमें ग्रीन कलर, ओके। तो देखेंगे तो जब हम यहाँ पे नीचे भी और पैटर्न बनाएंगे, यहाँ भी देखो ये डायमंड कट, फिर ये डायमंड स्पेस, ये भी डायमंड स्पेस बनेगा, फिर ये भी, जैसे यहाँ पे मैंने ये कलर में पूरा फिलअप कर दिया। चलो क्या हुआ देखो, ये सेम सेम देखो कितनी अच्छी डिजाइन दिख रही है आपको। तो आपको भी क्या करना है, मेरी तरह से मैंने जैसे किया है वैसे आपको फिनिश करना है, ओके। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर यहाँ पे 45 में देखो, एक्सटेंड द पॉटर एंड कलर, आपको क्या करना है सॉरी पैटर्न एंड कलर, यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें आपको फिनिश करनी है आगे पैटर्न और कलर भी करने है। तो आप देखो अच्छे से पहले पैटर्न किस तरह से बनाई है, ओके।
तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारे लिख दिए। अब यहाँ पे पैटर्न किए तो हमें ये पैटर्न क्या करना है, फिनिश करना है। मैं यहाँ पे एक दो पैटर्न आपको करवा दूँ, बाकी की जो पैटर्न है वो आपको अपने आप फिनिश करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से लीव्स दिए आपको, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो इस तरह से लीव्स है, हाँ। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे टू ब्लैंक, तो आपको क्या करना है उसी ब्लैंक में आपको इसी तरह से आप देखो ये सीधा है उल्टा है, सीधा है उल्टा है, तो आप क्या आएगा सीधा, इस तरह से आएगा सीधा इस तरह से। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है इस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, इस तरह से उल्टा आएगा, हो गया। और फिर आपको क्या करना है इसमें कलर्स करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इतनी करवाए, बाकी क्या आप समझ गए हो कि क्या है, सीधा है फिर उल्टा है, सीधा है आड़ा है, इस तरह से है। तो आपको बाकी की जो पैटर्न्स है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से फिनिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 55 में देखो, कंप्लीट द एम्प्टी स्पेस एज पर पैटर्न। यहाँ पे हमने जो बुक में की थी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे बॉक्स दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बॉक्स हैं जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट दिए। तो यहाँ पे देखो आगे के ए ए बी बी सी सी डी डी वो मैंने जैसे बुक में आपको सिखाया था बिल्कुल उसी तरह से। तो आपको क्या करेंगे, आप एक अल्फाबेट को एक बॉक्स में टू बार लिखना, जैसे कि ए ए बी बी सी सी, नेक्स्ट क्या आएगा डी डी ई ई एफ एफ, इस तरह से फिर ए बी सी डी ई, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, इस तरह से आगे आपको चलना। फिर डे नाइट डे नाइट डे नाइट डे नाइट डे नाइट डे नाइट डे नाइट, नेक्स्ट वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू। फिर अब यहाँ पे देखो एक पूरी लाइन दी है 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, फिर 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह। फिर देखो तो क्या है 19, 29, 39, 49, 59, 69, and 79। तो फिर इस तरह से आप देख सकते हो तो बाकी की पैटर्न। फिर क्या है देखो, टू है, टू में कितने ऐड किए उसने, थ्री ऐड किए, टू में थ्री ऐड करेंगे तो कितने होंगे फाइव, अब फाइव में फिर से थ्री ऐड करेंगे तो कितने होंगे एट, एट में थ्री ऐड करेंगे तो कितने होंगे इलेवन, इलेवन में थ्री ऐड करेंगे तो कितने होंगे 40। तो इस तरह से आपको लिखते रहना है। नेक्स्ट फिर देखो यहाँ पे फाइव का टेबल दिया है, फाइव थ्री जा 15, फाइव फोर जा 20, फाइव फाइव जा 25, फाइव सिक्स जा 30, फाइव सेवन जा 35, इस तरह से आपको कुल फाइव फाइव ऐड करके लिखने। नेक्स्ट 18 दिए, अब 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30, इस तरह से आपको फिनिश करना है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 52, 54 एंड 56 क्या किया है उसने,
52 के बाद 53 आना चाहिए, लेकिन वो नंबर क्या किया, स्किप किया और सीधा एक आगे नंबर, तो एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर लिखा, मतलब 2-2 नंबर आगे, जैसे कि 52 के बाद 53, 54 लिखा, फिर 55 नहीं लिखना है और 56 लिखा है, अब 57 नहीं लिखना है, 58 लिखना है, फिर 59 नहीं लिखना है और 60 लिखना है, इस तरह से आपको फिनिश करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल आपको डिफरेंट ही है, जहाँ पे हमारे बुक में 5 UP इस तरह से दिया था, लेकिन यहाँ पे अलग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से 5A 5A 6B। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फाबेट के नंबर कितने आते हैं टोटल 26, इसी तरह से आपने यहाँ पे नंबर गिनने 5A 6B 7C 8D, फिर क्या आएगा E 9 F 10, इस तरह से आगे आपको लिखते रहना है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो तो 85 ओके, यहाँ पे देखो तो मैंने कुछ इस तरह से आपको करवाया कि, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या है, पहले नंबर लिखे फिर अल्फाबेट लिखे, 5A फिर 6B फिर 7C फिर 8B फिर 9E लिखना है आपको, फिर 10F, इस तरह से फिर आगे आपको लिखते रहना है, जब तक आपके बॉक्स फिनिश हो जाते हैं तब तक लिखना है। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं तो 85, अब उल्टा है, 85 लिखा है फिर क्या लिखा है, अब 10 माइनस करने, उसमें से 10 निकालेंगे तो देखो पीछे 5 तो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा ये 8 के बाद 7 फिर 6 5 हो गया, देखो 8 7 6, अब क्या आएगा 5 5 5, फिर 4 5, फिर 3 5, इस तरह से लिखते रहना। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं तो 55, अब यहाँ पे 55 फिर 5 माइनस किए, 50 फिर से माइनस किए, 45 फिर से माइनस किए, 40 फिर से 5 माइनस किए, 35 इस तरह से आपको लिखना है। फिर देखो यहाँ पे 20 से उल्टा लिखा है, 20 19 18 17 16 15, इस तरह से, और लास्ट में 40 35 38 36, यहाँ पे भी 2 2 नंबर्स की, 40 में से 2 निकालेंगे तो 38 में से 2 निकालेंगे तो 36 में से 2 निकालेंगे तो 34 में से 2 निकालेंगे तो 32 में से 2 निकालेंगे तो 30, तो इस तरह से आपको लिखते रहे हैं। नेक्स्ट, अब आगे यहाँ तक मैंने जो आपको वर्कबुक में फिनिश करवाया, तो ये आपको कलर भी करना है, बाकी की पैटर्न फिनिश करनी है और पेंसिल से अच्छी तरह से, लेकिन बुक वर्कबुक को गंदी करनी नहीं है। और नेक्स्ट, उसके बाद देखो पीछे बहुत अच्छा पैटर्न आ रही है, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें ड्रो करके दी है, और वो ड्रो के अंदर हमें क्या करना है, नंबर लिखने हैं, तो वो लिखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, और आज के लिए इतना ही किया, तो आपको इतना यूनिट क्या करना है, फिनिश करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।